नमस्कार, मैं नेहा सिंह और आप देख रहे हैं द फुल वॉल्यूम। द फुल वॉल्यूम के करंट अफेयर सेक्शन में आज हम जानेंगे देश दुनिया में क्या कुछ है खास। लेकिन उससे पहले, अगर आप हमारी ये वीडियो YouTube चैनल पर देख रहे हैं तो इसे लाइक, शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। प्रश्न एक, भारत द्वारा 2022 में किस शहर में राष्ट्रमंडल निशानेबाजी और तीरंदाजी चैंपियनशिप का आयोजन किया जाएगा? ऑप्शन ए चंडीगढ़, ऑप्शन बी बंगलोर, ऑप्शन सी पुणे, ऑप्शन डी नई दिल्ली। सही जवाब है ऑप्शन ए चंडीगढ़। भारत जनवरी 2022 में राष्ट्रमंडल निशानेबाजी और तीरंदाजी चैंपियनशिप की मेजबानी चंडीगढ़ में करेगा। इसमें जीते गए पदकों को रैंकिंग के लिए बर्मिंघम में होने वाले राष्ट्रमंडल खेलों में शामिल किया जाएगा। राष्ट्रमंडल खेल महासंघ द्वारा जारी जानकारी के अनुसार, इन स्पर्धाओं में जीते गए पदकों को राष्ट्रमंडल खेलों के समापन समारोह में एक सप्ताह बाद अंतिम तालिका में जोड़ा जाएगा। इसका आयोजन जनवरी 2022 में होगा, जबकि राष्ट्रमंडल खेलों का आयोजन 27 जुलाई से 7 अगस्त 2022 तक होगा। प्रश्न दो, किस राज्य सरकार ने कॉलेज के छात्रों को वित्तीय सहायता देने के लिए जगन्ना वसाठी दिवेना योजना शुरू की है? ऑप्शन ए आंध्र प्रदेश, ऑप्शन बी बिहार, ऑप्शन सी हरियाणा, ऑप्शन डी महाराष्ट्र। सही जवाब है ऑप्शन ए आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री YS जगनमोहन रेड्डी द्वारा कॉलेज और डिग्री स्तर पर पढ़ रहे गरीब छात्रों के लिए यह योजना शुरू की गई है। इसके तहत छात्रों को न केवल पढ़ाई के लिए वित्तीय सहायता दी जाएगी, बल्कि उनकी कैंटीन और हॉस्टल के खर्च का भी भार सरकार द्वारा ही उठाया जाएगा। इस योजना में ITI, पॉलिटेक्निक और डिग्री स्तर पर पढ़ने वाले छात्र शामिल होंगे। प्रश्न तीन, निम्नलिखित में से किसे दिल्ली विधानसभा का स्पीकर चुना गया है? ऑप्शन ए राम सिंह बिधूड़ी, ऑप्शन बी अजीत पाल सिंह, ऑप्शन सी केतन चौहान, ऑप्शन डी रामनिवास गोयल। सही जवाब है ऑप्शन डी रामनिवास गोयल। आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ विधायक रामनिवास गोयल को सर्वसम्मति से दिल्ली विधानसभा का अध्यक्ष चुना गया है। उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने रामनिवास गोयल को स्पीकर बनाने का प्रस्ताव रखा था। उन्हें दूसरी बार यह पदभार प्राप्त हुआ है। इसके अतिरिक्त रामवीर सिंह बिधूड़ी को दिल्ली विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष चुना गया है। प्रश्न चार, निम्नलिखित में से किसे नेशनल हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर कॉर्पोरेशन का चेयरमैन और प्रबंध निदेशक चुना गया है? ऑप्शन ए विजय सरदाना, ऑप्शन बी अभय कुमार सिंह, ऑप्शन सी अंकुश पाल, ऑप्शन डी नितिन नारायण वर्मा। सही जवाब है ऑप्शन बी अभय कुमार सिंह। अभय कुमार सिंह को सार्वजनिक क्षेत्र की पनबिजली कंपनी NHPC का चेयरमैन और प्रबंध निदेशक बनाया गया है। NHPC द्वारा जारी आदेश के अनुसार उनकी सेवानिवृत्ति 31 अगस्त 2022 को होगी। वे रतीश कुमार का स्थान लेंगे, जो कंपनी के निदेशक के अलावा चेयरमैन और प्रबंध निदेशक की अतिरिक्त जिम्मेदारी संभाल रहे थे। प्रश्न पाँच, भारत अमेरिका के बीच कितने डॉलर के रक्षा समझौते पर हस्ताक्षर हुए? ऑप्शन ए $3 बिलियन, ऑप्शन बी $7 बिलियन, ऑप्शन सी $9 मिलियन, ऑप्शन डी $4 मिलियन। सही जवाब है ऑप्शन ए $3 मिलियन। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने 25 फरवरी 2020 को एक बड़े रक्षा सौदे पर हस्ताक्षर किए। दोनों देशों ने लगभग $3 बिलियन के रक्षा सौदे पर हस्ताक्षर किए हैं। यह समझौता दोनों देशों के नेताओं के बीच हुई द्विपक्षीय वार्ता के बाद किया गया। इसके बाद दोनों नेताओं ने आतंकवाद के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई की प्रतिबद्धता को दोहराया। राष्ट्रपति ट्रंप ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भारत अमेरिका के रिश्तों की मजबूती का जिक्र किया। डोनाल्ड ट्रंप ने अपने संबोधन में कहा कि वे भारत की इस दौरे को हमेशा याद रखेंगे और उन्होंने भारतीय द्वारा किए गए शानदार स्वागत के लिए सभी को धन्यवाद भी कहा। प्रश्न छह, निम्नलिखित में से कौन सा खिलाड़ी क्रिकेट के तीनों फॉर्मेट में 100 से अधिक मैच खेलने वाला दुनिया का सबसे पहला खिलाड़ी बन गया है? ऑप्शन ए विराट कोहली, ऑप्शन बी रोहित शर्मा, ऑप्शन सी रॉस टेलर, ऑप्शन डी एबी डिविलियर्स। सही जवाब है ऑप्शन सी रॉस टेलर। न्यूजीलैंड के क्रिकेट खिलाड़ी रॉस टेलर तीनों फॉर्मेट टेस्ट, वनडे और T20 में 100 से अधिक मैच खेलने वाले विश्व के पहले खिलाड़ी बन गए हैं। टेलर ने यह उपलब्धि 21 फरवरी को न्यूजीलैंड के वेलिंगटन में भारत के खिलाफ खेले गए अपने 100वें टेस्ट खेलते हुए हासिल की। टेलर ने अपना 100वां T20 भी भारत के ही खिलाफ 2 फरवरी को माउंट मानगुई में खेला था। प्रश्न सात, टोक्यो ओलंपिक 2020 का आधिकारिक आदर्श वाक्य क्या है? ऑप्शन ए स्पोर्ट्स एंड वर्ल्ड, ऑप्शन बी
यूनाइटेड बाई इमोशन, ऑप्शन सी चेज योर ड्रीम्स, ऑप्शन डी लेट्स डू इट। सही जवाब है ऑप्शन बी यूनाइटेड बाई इमोशन। टोक्यो ओलंपिक 2020 का आधिकारिक आदर्श वाक्य है यूनाइटेड बाई इमोशन। इस आदर्श वाक्य का अर्थ है कि खेलों में भावना अहम होती है, चाहे कोई किसी भी देश या धर्म का क्यों ना हो। इसलिए ओलंपिक खेलों जैसे बड़े आयोजन में देश या धर्म की बजाय भावना को अधिक महत्व दिया जाना इसकी विशेषता को दर्शाता है। साथ ही यह आदर्श वाक्य बताता है कि खेलों में भावना से एकजुटता की ओर बढ़ा जा सकता है। टोक्यो ओलंपिक 2020 का आयोजन 24 जुलाई से 9 अगस्त 2020 के बीच टोक्यो में होगा। प्रश्न 8, किसानों के लिए इनमें से कौन सा ऐप लॉन्च किया गया है? ऑप्शन ए पीएम किसान ऐप, ऑप्शन बी पीएम किसान सम्मान ऐप, ऑप्शन सी किसान ऐप, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। सही जवाब है ऑप्शन बी पीएम किसान सम्मान ऐप। केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने पीएम किसान मोबाइल ऐप लॉन्च किया है। यह ऐप किसान सम्मान योजना के एक साल पूरे होने पर लॉन्च किया गया है। इससे किसान 6,000 रुपए की राशि के भुगतान की स्थिति, आधार के अनुसार नाम में संशोधन, पंजीयन की स्थिति, योजना की पात्रता आदि का लाभ ले सकेंगे। प्रश्न 9, देश का पहला 5G फोन किस कंपनी ने लॉन्च की है? ऑप्शन ए नोकिया, ऑप्शन बी सैमसंग, ऑप्शन सी रियलमी, ऑप्शन डी सोनी। सही जवाब है ऑप्शन सी रियलमी। देश का पहला 5G मोबाइल फोन लॉन्च हो गया है। रियलमी के X50 Pro 5G स्मार्टफोन में डुअल फ्रंट और 64:12:8 ब्लैक एंड व्हाइट क्वाड रियर कैमरा है। 4G फोन से यह 10 गुना तेज है। यह फोन 4G और 5G दोनों को सपोर्ट करता है। प्रश्न 10, जावास्क्रिप्ट स्निफर क्या है? ऑप्शन ए मैलवेयर, ऑप्शन बी स्क्रिप्ट, ऑप्शन सी स्कोर, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। सही जवाब है ऑप्शन ए मैलवेयर। सिंगापुर वेस्ट एक साइबर सुरक्षा फर्म ने खुलासा किया है कि डार्क वेब पर बेचे जा रहे 98% क्रेडिट कार्ड डेटा भारतीय ग्राहकों के हैं। इस कार्य के लिए जावास्क्रिप्ट स्निफर नामक मैलवेयर का उपयोग किया गया है। जावास्क्रिप्ट स्निफर एक किस्म का मैलवेयर है जिसका उपयोग संवेदनशील क्रेडिट कार्ड की जानकारी चुराने के लिए किया जा रहा है। बाद में क्रेडिट कार्ड्स की जानकारी को डार्क वेब पर बेचा जा रहा है। आपको हमारा करंट अफेयर्स का सेशन कैसा लग रहा है हमें हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करके बताएं, जिससे हम आपके लिए करंट अफेयर्स को और आसान बना सके, जिससे आप किसी भी परीक्षा को आसानी से क्रैक कर सके। धन्यवाद।